मौसम विभाग ने अयोध्या के लिए खास तौर पर बनाया है एक वेब पेज। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सोलर ई बोट को सरयू नदी में उतारा जाएगा। इसका ट्रायल हो चुका है, अब शुक्रवार को सीएम इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पूरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लिहाजा प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस तरह की पहल की है। बताया गया कि इसे सोलर एनर्जी से चार्ज करने के साथ ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस बोट में एक बार में 30 लोग यात्रा कर सकेंगे। अभी ये नया घाट से संचालित होगी। इस ई बोट के जरिए करीब पौने दो घंटे में श्रद्धालु नदी किनारे स्थित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों की यात्रा कर सकेंगे। मौसम विभाग ने अयोध्या के लिए खास वेब पेज बनाया ताकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन और इसकी तारीख के आसपास का मौसम का पता चल सके। इसके मुताबिक अभी तक 22 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है और कोहरा भी नहीं रहेगा। पिछले महीने यहां एयरपोर्ट खुल गया है, ऐसे में उड़ानों को लेकर मौसम विभाग का अनुमान काफी अहम रहेगा, लिहाजा मौसम विभाग ने वहां पर अपना एक दफ्तर भी खोल दिया है। अयोध्या में बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को ई कार्ड से श्री रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। योगी सरकार इसको लेकर एक योजना बना रही है। पहले चरण में 650 ई कार्ड चलाए जाएंगे। इस तरह राम पथ पर जाम से भी मुक्ति मिलेगी और श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।